हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और घंटी बजाना मत भूलिएगा। सांप और मेंढक। एक बार एक सांप ने एक झील में रहने वाले सारे मेंढकों को खा जाने की योजना बनाई। सांप ने मेंढकों से कहा, एक ब्राह्मण के श्राप के कारण मैं तुम लोगों की सेवा करने आया हूँ। मेंढक राजा बहुत उत्साहित हुआ और उसने मेंढकों को यह बात बताई। सारे मेंढक उछलकर कूदकर नाचते हुए सांप की पीठ पर चढ़कर सवारी करने निकल पड़े। अब अगले दिन सांप बोला, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तेज़ी से रेंग तक नहीं पा रहा हूँ। मेंढक राजा बोला, तुम अपनी पूंछ पर सबसे पीछे बैठे सबसे छोटे मेंढक को खा सकते हो। सांप ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में सांप एक एक करके सारे मेंढकों को खा गया, केवल मेंढक राजा बचा। अगले दिन मेंढक राजा फिर बोला, तुम अपनी पूंछ पर सबसे पीछे बैठे एक मेंढक को खा सकते हो। सांप तुरंत उसको ही खा गया। सीख, ज़्यादा चतुराई कभी खुद पर भी भारी पड़ सकती है।